हम तो बहुत पीछे चला गया, लेकिन आप यहाँ देखिए कि भागीरथी नदी कल कल बहती हुई एकदम सुंदर स्वच्छ जलधारा के साथ, और वहाँ मैली मंदाकिनी भी जाके मिलती है। मैं तो बार बार कंफ्यूज ही हो रहा हूँ। ये है हमारी भागीरथी नदी, बहुत ही सुंदर विष्णुप्रिया, जाके मिलती हैं अलकनंदा से। मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ मंदाकिनी से। गजब हाल है, ये तो पूरे ही चार धाम यात्रा मार्ग पे ना इस तरह का हमें देखने को मिला है। बड़े बड़े बोल्डर्स गिरे हुए हैं, बहुत ही खतरनाक है। बारिश में कभी ना आए भाई लोग यहाँ पे कभी भी। बहुत बढ़िया पहाड़ों के नज़ारे लेते हुए बस में सफ़र कर रहे हैं, और जी रही पहाड़ों के बीच बसी है सुंदर सी मार्केट जो कि 2 किलोमीटर हो गए ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमें उत्तराखंड के श्रीनगर में पौड़ी गढ़वाल का जो सेंटर है वो श्रीनगर ही है, श्रीनगर जो कि गढ़वाल में है, एक श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, उससे आप कन्फ्यूज ना होए। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर शॉप है, पूरी मार्केट सजी हुई है, आप देख रहे होंगे हर जगह मार्केट ही मार्केट लगी हुई है, बहुत ही बढ़िया है हर चीज़ यहाँ पर। बाजार से निकलते हुए वो देखिए टनल का काम चल रहा है। इंडियन रेलवे हर तरीके से तरक्की कर रही है और यहाँ पे इंडियन रेलवे के टनल का काम चल रहा है। सुंदर पहाड़ियाँ अचानक ही आप लोगों का मन मोह लेंगी, बहुत ही सुंदर। वहाँ धारी देवी का मंदिर, धारी देवी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो 2013 में जो केदारनाथ में हादसा हुआ था, यहाँ पे धारी देवी का मंदिर शिफ्ट किया गया था, इसी वजह से हुआ था, इसे फिर से यहीं पे रिलोकेट कर दिया गया और अब सब कुछ सही चल रहा है। बोले माँ धारी देवी की जय। सुंदर मनमोहक नज़ारे भाई साहब, लेकिन बहुत टाइम लगता है आने में यहाँ पे, गोल 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 बस घुमा रहे हैं हमें पिछले 4 घंटे से, 100 किलोमीटर चले बस। कल कल बहती हुई अलकनंदा माता पूरे रास्ते हम लोगों को आशीर्वाद देती हुई जा रही है। आप देखिए कि इससे पहले गंगा माता थी पूरे रास्ते, अब अलकनंदा, और अभी आगे फिर से एक संगम देखने को मिलेगा आपको। यहाँ ये सुंदर आर्च ब्रिज बन रहा है, जो कि ये रास्ता ही इतना बड़ा घुमाव है यहाँ रोड पे जाते हुए, ये इसको ख़त्म करके और एकदम शॉर्टकट बना देगा ये पुल। ये देखिए आर्च ब्रिज कितना सुंदर है, आर्च ब्रिज। अलकनंदा के साथ साथ हम भी चल रहे हैं आपको दिखाते हुए ये सारे नज़ारे। तो गढ़वाल श्रीनगर से आगे निकल के हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी देर के लिए विश्राम किया जा रहा है, चाय पानी पिया जा रहा है, और पीछे हमारी मंदाकिनी माता कल कल बहती हुई हमारे साथ चल रही हैं। आगे जो आएगा वो मैं तो पता है प्रयागों के नाम में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि अभी हमने रुद्रप्रयाग किया है, अब आएगा सॉरी देवप्रयाग किया है, अब आएगा रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग जो भी, और वहाँ पर संगम होता है मंदाकिनी माता का अलकनंदा माता से। तो दोनों नदियों का संगम होता है, पवित्र संगम है ये। अगर हो सके तो दिखा पाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि अगर बाइक से आए या फिर कभी अपने व्हीकल से आए ना तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से दिखा पाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखा पाऊँगा। और मैं तो प्रयाग में बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। तो देव प्रयाग में मंदाकिनी माता और अलकनंदा माता जो है वो यहाँ पर मिलेंगी, थोड़ी देर में देव प्रयाग आने वाला है, और देखते हैं फिर कि उसके बाद मतलब अगर वहाँ पे बस रुकी तो ठीक है दिखा दिया जाएगा, अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे ही दी। और ये बहुत ही सुंदर देखिए, मतलब थोड़ा समय ये क्रॉस करके और तब आपके पास पहुँच रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन लेके। देखिए पीछे बहुत कलकल बहती हूँ, बहुत ही तेज़ धारा है भाई लोगों, बारिश का टाइम है, श्री हरि नारायण की कृपा से क्या हुआ है कि आज बहुत ही तेज़ धूप खिली हुई है और कल भी बहुत अच्छी धूप खिली रहे, मैं तो यही प्रार्थना करूँगा जब केदारनाथ हम जाते रहें तो। शाम को चाहे जो है वो मतलब बर्फ़बारी हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, लेकिन पूरा दिन जो है वो अच्छा मौसम रहना चाहिए, मैं तो यही श्री हरि नारायण से प्रार्थना करूँगा। क्यों भाई कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय, बहुत ही सुंदर यहाँ पे लग रहा है सब कुछ, मौसम भी बहुत साफ। हाँ लेकिन आप बच्चों को साथ लेके आएंगे ना तो वो परेशान हो जाएंगे, लेडीज भी परेशान हो जाएंगी, बस तो इतने टर्न लेती है ना भाई लोगों,
ऐसा लगता है कि बस इतना अभी कह रहे थे कि इतना तो सांप नहीं मुड़ता जितना सड़कें मुड़ती हैं, तो पहाड़ी सड़कें तो होती ही ऐसी हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ये देखिए सुंदर यहाँ पे अलकनंदा बहती हुई, कल कल करता हुआ शोर, और एक भंवरा मेरे आसपास मंडरा रहा है। देखिए 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 क्या चाहता है ये भंवरा, भाई मैं फूल नहीं हूँ, उधर हो जा। बहुत अरे बाप रे, तो मेरे भाई यहाँ मेरे पे आ रहा है। ऐश्वर्या राय वाला गाना गाने लगूँ मैं, अरे भाई क्या हो गया इसे। चलिए ठीक है। ओ भाई अब तो सच में बस में बैठ ही जा रहा हूँ। बस कर भाई बस कर, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भंवरा। चलो जी, मुझे फिल्म आने ही नहीं दे रहा है तो मतलब बिल्कुल। अरे भाई काट भी ना ले ये भाई लोगों, अरे भागो यहाँ से सच में। उत्तराखंड आने के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ शेष ना रह गया और जीवन में देखने के लिए, सारे ही लोग यहाँ इतनी मस्ती कर रहे हैं ना। आप देखिए ये नज़ारे देख देख के ना आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। जितने भी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, मुझे लगता है कि ये सारे लोग साउथ इंडिया से भी आए हुए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग जो है वो सेंट्रल इंडिया से आए हुए हैं, सभी मस्ती कर रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं, है ना, अपनों के साथ अपने के साथ। ये रोड यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है लेकिन ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है, और ये वाला जो पोर्शन है ये सही कर दिया जाएगा तो रोड भी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सब कुछ बनाया है गवर्नमेंट ने। आ गए ना तो भाई जी बता देना चाहिए ना, ये आ गए हम यहाँ पे। अच्छा कौन सी, अच्छा ये यहाँ पे मंदाकिनी, अच्छा 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 हाँ ये मंदाकिनी नदी आगे जाके अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये देखिए कितना ही सुंदर पानी है मंदाकिनी नदी का, बहुत ही बढ़िया। तो मंदाकिनी नदी जहाँ अलकनंदा नदी से मिलती है उस कॉन्फ्लुएंस को, उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग, और इसके बाद ये अलकनंदा बना लेती हैं दोनों जाके। अलकनंदा उसके बाद भागीरथी से मिलती हैं, उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। मैंने वीडियो में बहुत बार इधर उधर बोला होगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। निर्मल पानी है ना, मैं बता नहीं सकता मंदाकिनी का, बिल्कुल मिनरल वाटर लग रहा है एकदम, बहुत ही अच्छा पानी लग रहा है। मन कर रहा है नीचे जाके, अगर मैं कभी बाइक से है ना तो मैं तो नीचे जाके, और तीन चार दिन तो मैंने रास्ते में ही बता देना है उसके बाद। बादल कभी देखा है भाई लोगों आपने, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है रुई उठा के रख दी हो गई मैं पहाड़ पे, कितना सुंदर लग रहा है। केदारनाथ में जाके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सड़कें और मज़ा ही आ गया एकदम इस ट्रिप पे। तो भोले बाबा अच्छे से दर्शन भी दे दें, बस सुंदर लग रहा है बादल। ये सुबह जी इधर भी जैसे जैसे पहाड़ मुड़ रहे हैं वैसे वैसे बादल ऊपर नीचे हो रहे हैं। सुंदर पहाड़ों और घाटियों से होते हुए हमारी बस गुजर रही है, ये अभी तक का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कठिन स्ट्रेच है। देखिए कितना ज़्यादा कैमरा हिल रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे कि रास्ता भी अच्छे से बनाया नहीं गया है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ना रोड ख़राब है, बहुत ख़राब है भाई लोगों। बट ये सीनिक ब्यूटी जो है ना ये आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट कर देती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बस हमारी यहाँ पे 10 मिनट से खड़ी है करीब, क्यों खड़ी है भाई आप बताएं? आगे शायद कोई बस फंस गई है, हाँ ट्रैफिक जाम हो गया, और बहुत ही ज़्यादा नैरो लिंक है यहाँ से। और कई बार मैंने यहाँ पे ऐसा देखा है कि लोग जो बिल्कुल भी है ना ट्रैफिक के जितने भी रूल्स हैं ना वो फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से दो बसेस जो है वो फंस जाती हैं आगे पीछे और पूरा रास्ता जाम कर देती हैं। अभी स्कूल की छुट्टी भी हो रही है इस वजह से भी जो है वो थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, और जगह जगह पानी के सोते झरने आपको मिल जाएंगे इस रास्ते पे। आप देखिए कि कितना ही सुंदर एक और झरना यहाँ पे आएगा, बहुत सारी टूरिस्ट की यहाँ पे जो है व्हीकल्स खड़े हैं। आप देखिए बहुत ही सुंदर झरना जा रहा है, बहुत बढ़िया लोग खड़े हैं यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। कभी हम भी आएंगे बाइक से, हम भी इंजॉय करेंगे। खूबसूरत पहाड़ों को दिखाने से मैं रह नहीं सकता, बहुत ही सुंदर व्यूज़ आए या ना आए भाई मुझे अपनी अंतरात्मा की खुशी मिलती है, बहुत ही सुंदर। बर्फ़ ही बर्फ़ है पहाड़ पे, इतना सुंदर मौसम हो रखा है यहाँ पे, बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भाई सोनप्रयाग उतरने के बाद क्या हुआ था कि हमने यहाँ पे
एक रूम ले लिया, आके यहाँ पे खाना खा लिया। दो और मित्र मिल गए हमारे, उन सारे दोनों मित्रों के साथ हमने मिलके रूम ले लिया, जो कि हमें काफ़ी सस्ता पड़ गया। अगर आप शेयरिंग में कोई अनजान आदमी भी अगर आपको लगे कि हाँ वो ट्रस्ट करने के लायक है, बहुत ही एजुकेटेड दोनों लोग हैं जिन्होंने हमसे बोला, खुद ही आके बोला, तो हम भी किसी को ढूंढ ही रहे थे, तो फिर आप शेयरिंग बेस पे रूम ले सकते हैं। चार लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर रूम मिल गया है ना। रूम भी मैं आपको दिखा दूंगा, जनरल सा ही रूम है, आपको यहाँ पे कोई 3-5-1 स्टार नहीं मिलेगा, जनरल से रूम मिलेंगे जिसमें नॉर्मल वॉशरूम होगा और गीज़र की फैसिलिटी होगी, कुछ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती नहीं है, ठीक है। और खाना भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल मिलेगा, घर के खाने जैसा भी नहीं, मतलब थोड़ा मंदा सा खाना मिलता है। क्यों सुबोध जी? बट देन हाँ ठीक है, आप थके हुए घर से बाहर हो उस हिसाब से ठीक है, राइट। और दूसरी बात के मतलब आप भूखे इतने होते हो ना कि कुछ भी खाना आप खाओगे वो आपको टेस्टी ही लगेगा, है ना। रूम एक बार आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर बाय बाय करते हैं और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सुबह के 5 से ज़्यादा बज चुके हैं और ये हमारा दूसरा पड़ाव जो हमने सोनप्रयाग में लिया था। शाम को जैसा कि मैंने आपको बताया था, सौरभ मिले थे मुझे और निखिल मिले थे, ये देखिए अभी भी आराम से मजेदार खर्राटे मार के सो रहे हैं, है ना। और ये स्मॉल सा रूम जो है ना, यही रूम आपको 4,000 रुपये में यहाँ पे मिलेगा इस टाइम पे। आप देखिए इसमें कोई मतलब सिर्फ हालांकि बहुत नीट एंड क्लीन है ना सौरभ, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन। और मुझे बहुत कोजी लगा इसका जो रजाई था, बिल्कुल इसमें पसीना आ गया मुझे, बहुत स्वेटिंग हो गई। तो ये पूरा शानदार सफर जो था हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग तक, सोनप्रयाग का हमारा जो स्टे था वो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार बता दें, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यात्रा, हाँ, टू केदारनाथ। सो वील गो फर्स्ट, हम सबसे पहले जाएंगे गौरीकुंड, गौरीकुंड से जाने के बाद वहां से केदारनाथ की जर्नी प्रारंभ करते हैं और वो तीसरे दिन का ब्लॉग फिर जाएगा, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।